One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. हर बच्चा जिसने पढ़ाई करी है उसे नौकरी मिले और क्योंकि अल्टीमेटली जब इतना पैसा खर्च के चार साल की पढ़ाई करके वो निकलते हैं तो उनको सबका ये होता है कि वे जॉब करें और कई जैसे कई पेरेंट्स और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अपने घर में बिजनेस है मैं तो उनको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बच्चे को दो साल एक साल जरूर जॉब करवाएं अपने बिजनेस में लगाने से पहले भी ताकि वो एक रियल इंडस्ट्री में जाके काम करना और अपने बिजनेस में काम करने में बहुत फर्क होता है जी। तो मैं तो हमेशा उनको इस तरह से टारगेट ये है कि हमारे पास इस वक्त 400 के करीब बच्चे हैं एलिजिबल क्योंकि हर कंपनी का अपना उनके अपॉइंटमेंट करते वक्त सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर नॉर्म्स हैं मापदंड हैं उनके ऊपर जो बच्चा भरी भांति उतरता है उसके इंटरव्यू को प्रॉपर जीडी के थ्रू रिटन टेस्ट के थ्रू करता है क्वालिफाई उसको वो लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें से विल भी हमारे पास जो अभी तक जितनी कंपनियां आ गई हैं उसमें से 80-90 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं और इस 3 दिन के दौरान मैं समझता हूँ कि 150 से 200 बच्चों की सिलेक्शन और हो जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स की। ये 80 बच्चों में केवल इंजीनियरिंग है कि और भी है? सर इसमें इंजीनियरिंग मेजर और भी है इंजीनियरिंग है होटल मैनेजमेंट के भी है फार्मेसी है होटल अब जैसे फार्मेसी में 100% प्लेसमेंट है हमारी होटल मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं सारे इस वक्त 100% प्लेस हो चुके हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के ऊपर सारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं इस वक्त मतलब जैसे 60 का बैच 60 के 60 बच्चे हमारे फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट में दोनों जगह पे 100% प्लेसमेंट है इंजीनियरिंग में इसलिए थोड़ी सी सब ऐसा टारगेट उन्होंने हमें नहीं दिया है कि हम इतने बच्चों को लेंगे और ऐसा कोई टारगेट मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज होता है टीसीएस जैसे कि जो बड़े रिक्रूटर्स हैं टीसीएस हुआ इन्फोसिस हुआ इनसे तो हम पूछते हैं कि जी आप कितने स्टूडेंट्स रिक्रूट करेंगे बट बाकी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनसे हम ये नहीं पूछ सकते कि जी आप कितने रिक्रूट करेंगे स्टूडेंट्स वो डिपेंडिंग ऑन देयर ओन रिक्वायरमेंट तो जैसा मेरे को वो असल में होता ये है कि बच्चों की भी कैपेबिलिटी वो जज करना चाहते हैं कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि बच्चे कैपेबल ना हो उनको हम ले लें इसलिए वो टारगेट नहीं कर बताते हैं हमको मगर ये है कि अगर बच्चा जरा भी प्रगति कर सकता है डेवलप कर सकता है अपने आप को तो वो लेना चाहते हैं इनमें करीब 31-28 कंपनियां नवीन जी ने बताई करीब 31 कंपनियों ने नाम दिया है जो कमिंग आज फेयर शुरू हो चुका है 26-27-28 3 दिन है और हमारा प्रयत्न हमेशा ये रहता है कि हम सब बच्चे को प्लेसमेंट दे सके क्योंकि अल्टीमेट एम हमारे हर बच्चे का ये रहता है कि उनको पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट मिले तो आईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एक प्लेसमेंट के लिए एक तरीके से वार छेड़ दिया है और पिछले एक हफ्ते में करीब 12 कंपनियां आ चुकी हैं पिछले महीने में 12 कंपनियां आ चुकी हैं मैं आपको उनका नाम भी बता देना चाहूंगा जो कंपनियां आ चुकी हैं जैसे टीसीएस आ चुकी है डोमिनोज आ चुकी है लेग्रांड इंटरनेशनल कंपनी है इलेक्ट्रिकल लेवल की वो आ चुकी है एरोसॉफ्ट आ चुकी है इंडियन नेवी आ चुकी है ये माइक्रोवेव पावर ट्रैक रास कैपिटल मिरेकल टेक्नोलॉजीज एलिमेंट सॉफ्टवेयर क्लासिक इन्फॉर्मेटिक्स एंड क्रिएटिव न्यूरॉन्स जो सिंगापुर की कंपनी है ये 30 तारीख को आ रही है और ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और एम्फेसिस जो आ चुकी है ये 11-12 कंपनियां आ चुकी हैं 31 इसमें लिस्टेड हैं ऑलरेडी आज 11 कंपनियों ने आज आए हैं और बाकी जो हैं मैं आप लोगों का भी स्वागत करना चाहूंगा पंजाब के स्टेट से आप जन होने के बाद पहला प्रोसेस ये है कि पहले जाके बच्चे रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आते हैं इंटरव्यू के लिए 11 कंपनियां इंटरव्यू भी कर रही हैं और फाइनली सिलेक्ट भी कर लेंगे आज कितने सुबेरे से जो रिपोर्ट है अभी तक वो 450 बच्चों की रिपोर्टिंग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है नहीं बाहर के ज्यादातर बच्चे बाहर के जी बॉल भरा रही है कंपनी नहीं अभी सिलेक्शन जो प्रोसेस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उसके 3 स्टेजेस होते हैं ये पहला स्टेज है स्क्रीनिंग का फिर इंटरव्यू और फिर फाइनल ऑफर का तो जो बॉन्ड की आप चर्चा कर रहे हैं वो उसमें आती है
कोई जरूरी नहीं कि हर कंपनी बॉन्ड ले, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनियां बॉन्ड ले सकती हैं, जैसे टीसीएस कहती है कि बॉन्ड भरिए, मगर ज्यादातर बच्चे भरते नहीं है। टीसीएस जैसी कंपनी भी कहती है हमने अपनी लड़की के लिए बॉन्ड भरा था, फिर भी लड़की छोड़ के चली।